जागतिक पर्यावरण दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नागपुर के गांधी बाग उद्यान में महापौर दयाशंकर तिवारी इनके हाथों 1200 अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में महानुभाव मौजूद थे। 5 जून यह जागतिक पर्यावरण दिन बड़ी हर्ष उल्लास के साथ भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नागपुर के गांधी बाग गार्डन में आज जागतिक पर्यावरण दिन महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों पौधे लगाकर मनाया गया। नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत 118 गार्डन आते हैं, जबकि एनआईटी में 122 गार्डन और प्राइवेट में 8 गार्डन आते हैं। नागपुर शहर में 257 गार्डन आते हैं। गांधी बाग गार्डन में 32 प्रकार के पौधे लगाए गए, जिसमें तुलसी, सबचा, इंसुलिन, परिचातक, गुड़वेल, चिरायता, रक्त चंदन आदि लगाए गए। गांधी बाग गार्डन में लगाए गए इन पौधों से यकीनन यहां पर रोजाना आने वाले नागरिकों के लिए ऑक्सीजन पार्क होने की अनुभूति होगी। जागतिक पर्यावरण दिन के अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से आज से हमने शुरू की है। महानगर पालिका के उद्यान के अलावा विशेष रूप से पर्यावरण की दृष्टि से रेलवे स्टेशन के उस पार का भाग, जिसे हम मूल रूप से पश्चिम नागपुर के रूप में, दक्षिण पश्चिम नागपुर के रूप में जानते हैं, वहाँ बड़े प्रमाण में वृक्षारोपण आज भी है। लेकिन रेलवे स्टेशन के इस तरफ का भाग, जिसे हम लोग उत्तर नागपुर, पूर्व नागपुर, दक्षिण नागपुर इस रूप में जानते हैं, यहाँ पर्यावरण के दृष्टि से जितने वृक्ष होने चाहिए वो नहीं है। इस वर्ष महानगर पालिका के माध्यम से टारगेट करके हमने इसी क्षेत्र में बड़े प्रमाण में वृहद रूप में वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ जो पोहरा नदी के किनारे का भाग है, उस पोहरा नदी के किनारे के भाग पर हमने सघन वन लगाने का, जो मियावाकी शब्द का उपयोग किया गया, उसकी वहाँ हम लोग कल्पना करके वहाँ भी लगाने वाले हैं। आने वाले वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, 50,000 प्लस पेड़ लगे और वो जिंदा रहे, इस दृष्टि से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नागरिकों के सहयोग से हम यह सब प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आज यहाँ हमने वृक्षारोपण किया है, एक विशेष कंसेप्ट को लेकर के किया गया है कि बगीचे में घूमने आते समय, बगीचा एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ अगर बड़े झाड़ हो तो लॉन डेवलप नहीं होता है। लॉन डेवलप होना है इसलिए सघन छाया के पेड़ नहीं लगाए जा सकते। तो ऐसी जगह ऑक्सीजन ज़्यादा देने वाले पेड़ अगर लगे तो हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। इस दृष्टि से ऑक्सीजन देने वाले ऐसे 1200 के आसपास पौधे आज हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, जिसमें तुलसी से साथ साथ यहाँ आप कल्पना कीजिए कि परिजात के पेड़ भी हो गए जो खुशबू देने वाले फूल देंगे, औषधियों के पेड़ भी हो गए जो जीवन में रोज़मर्रा में होने वाली बीमारियों का निराकरण औषधि के माध्यम से कर सके। इसमें पौधे के जितनी वेराइटीज़ है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज़मीन पर छिछल करके फैलते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो जड़ से ऊपर की ओर निकल करके स्वयं पे ऊपर टिके रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे की मदद लेके ऊपर की दिशा में बढ़ते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बांस के माध्यम से हम बेल लगा करके, हम जिसमें मांडवची शेती जाला मंडता तय प्रकार के कुछ पौधे होते हैं, ऐसे सब वेराइटी के वे पौधे जो ऑक्सीजन दे सकते हैं और औषधि सकते हैं वो यहाँ लगा रहे हैं। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि शहर के जो आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो जिस समय वन औषधि के लिए जंगलों में जाते हैं तो वो लोग यहाँ आकर के अध्ययन कर सके, औषधि के बारे में जानकारी ले सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के प्लांट अगर हम यहाँ लगाए गए तो कहीं ना कहीं अपने पुराने आयुर्वेद के प्रति लोगों के मन में जागृति पैदा होगी। और ये सारे पौधे ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, इसलिए पर्यावरण में नैसर्गिक रूप से वृद्धि होगी, ऐसा इसके पीछे का कंसेप्ट। यो तो नागपुर शहर की पहचान कई बातों से है, लेकिन अब नागपुर शहर की पहचान हरियाली का शहर के नाम से भी होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। गांधी बाग गार्डन से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।